बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ताबड़तोड़ खबरें, दो खबरें तो ऐसी हैं कि समझ नहीं आ रही कि किसको मैं फौकियत दूं और किसको ना दूं। एक है जिस तरह विकीलीक्स, पैनामा लीक्स, पेंडोरा लीक्स, अब चौथी आई है स्विस बैंक के जो है अकाउंट्स लीक्स, जिसमें को 18,000 बैंक के अकाउंट्स जो हैं वो लीक हो गए हैं। और वो अब इस वक्त एक जो ग्रुप है जो सारी चीज़ों की टो में लग रहा है तो उनके पास हैं। और दूसरी है मोहसन बेग साहब के केस जो है वो अतर मिनल्ला साहब की अदालत में पहुँचा है और उनके घर में जो FIA ने एक्शन की है इसके ऊपर आज बहस हुई है। इतनी ज़बरदस्त, इतनी कमाल की जो है ये केस चला है, हालांकि इसके हुकूमती अंजाम पे नहीं पहुंचा। जुमेरात को दोबारा इसकी हियरिंग की है और अदालत ने कुछ चेकलिस्ट दे दी है, तो लेकिन इस केस को भी डिस्कस किए बगैर गुजारा नहीं है और इसको भी डिस्कस करेंगे। अब आ जाए जी, अल्लाह आपका भला करे, स्विस लीक्स, इसमें अभी तफसील नहीं आई, तफसील ऐसा ऐसा आएगी, लेकिन एक बात जो थी उसका अंदाज़ा कर लिया गया था कि ये पहली लीक्स है जिसमें वो कहते हैं कि नाइट ऑफ द जर्नल्स, तो जर्नलों की जो शब रोज़ गुजरे हैं और जो उनकी कमाई थी जिसको कोई बंदा उंगली नहीं उठा सकता था और कोई बंदा उसको जेर बहस नहीं ला सकता था, ज़्यादातर उसके बारे में होगी और खासकर पाकिस्तानी जर्नल्स के बारे में। थोड़ा सा जो है भांडा फोड़ दिया है न्यूयॉर्क टाइम्स ने, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि जी जनरल अख्तर दरमान साहब के जो तीन बेटे थे उनके नाम पे भी अकाउंट्स पकड़ा गया, हालांकि उन्होंने तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा जी ये फैक्चुअल नहीं है, अफला नहीं है, ये बहरहाल ये तो तय हो जाएगा। आया पाकिस्तान के अंदर इसको अगर किसी ने GIT बना दी इसके ऊपर और तहकीकात शुरू हो गई तो ये सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जो उन्होंने रकम का इंकशाफ किया है उसका अंदाज़ा तो खैर वैसे ही पाकिस्तान के अंदर इस तरह की गॉसिप्स होती रहती थी, लेकिन जो है कलेजा मुंह को आता है कि इतना बड़ा उनके पास, अल्लाह ताला करम करे कि जो वारदात है पाकिस्तान को हिला देने वाली वारदात है, कितना पैसा गया। और फिर देने का तरीका बड़ा कमाल का है, अक्सर पैसा CIA ने पाकिस्तान लाने के बजाय डायरेक्ट उनके अकाउंट में मुंतकिल करा दिया है स्विट्जरलैंड में। एक तो ये आपको चीज़ सामने आई, इसमें बहस होती रहेगी, लेकिन ये पता चल गया है कि एक सिर्फ जर्नैल के बारे में बताया गया, वो पूरे पाकिस्तान के अंदर हो सकता है जो चीज़ हमारे इल्म में आई है, जो करप्शन जो है मुबैना तौर पर किसी के बारे में बताई गई है या वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, उसमें एक की ही काफ़ी है, भारी है। और फिर ऐसा ऐसा करके बाकियों की आएगी, और ये सिर्फ वही है जिनके अकाउंट्स जो हैं वहाँ पे उस बैंक के थ्रू गए हैं, बाकी जब निकलना शुरू होंगे और जैसे ये आई हैं इंतज़ार करें, मज़ीद भी कई लीक्स आएंगी। और मेरा ख्याल है कोई चीज़ छपी नहीं रहेगी, क्योंकि एक वक्त में वेस्ट बड़े ऑर्गनाइज तरीके से हमारे लोगों को करप्शन की तरफ आवादा करता है और उसके बाद जब वो मकसद बरारी हो जाती है तो अब वो हमारे मुल्कों को गैर मुस्तकम करने के लिए वो जो करप्शन उन्होंने खुद अपनी जो है मददगार बन के करवाई होती है उसको अफशा करते हैं। अब आ जाए जी, मोहसिन बेग साहब को आज जो है मेरा ख्याल है ये मैं थोड़ा सा इसका दे लूँ, एक ब्रीफ सा बता दूँ कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में हुआ क्या है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दो मोहसिन बेग साहब के आज केसेस थे, एक इस्लामाबाद हाईकोर्ट में और एक जो है एंटी जो टेररिज्म कोर्ट है उसके अंदर, वो तो उसमें उनको जिस्मानी रिमांड जो था 3 दिन का आज जो है वो उसकी मुद्दत ख़त्म हो गई थी, तो मज़ीद उसे पेश किया गया कि जिस्मानी रिमांड लेना है या उनको जुडिशल रिमांड पे जेल में भेजना है। तो पहले तो आ जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत ने साफ़ी मोहसिन बेग के घर पर छापे मारने से मुतल्लिक केस की समाअत की। अदालत ने डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम को शो का नोटिस जारी करते हुक्म दिया कि डायरेक्टर FIA अपना बयान हल्फी अदालत में जमा कराएं। अदालत को मुतमिन करें कि डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA ने अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल नहीं किया या क्यों किया। FIA पब्लिक
ऑफिस होल्डर्स के लिए मुसलसल अपने अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रही है। अफ्रीका के मुल्कों ने भी हद तक इज़्ज़त को फौजदारी कवानीन से निकाल दिया है। साफियों के लिए पाकिस्तान गैर महफूज ममालिक में है और पाकिस्तान का नंबर 8वें नंबर पर, इसी वजह से कि यहाँ इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप अदालत को मुतमिन कर देते हैं तो नोटिस ख़त्म हो जाएगा। अदालत ने अटर्नी जनरल खालिद जावेद खान को ज़ाती हैसियत में तलब करते हुए कहा है कि अटर्नी जनरल अदालत में पेश होकर FIA के मुकदमे का दिफा करें। अदालत के सामने डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA बाबर बख्त कुरैशी अदालत के सामने पेश हुए। दौरान समाअत अदालत ने FIA हुकाम से इस्तफसार किया कि आप इस कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को क्या अंडरटेकिंग दी थी, क्या SOPs बनाए। आपको कहा था कि हत्या इज्जत के मामले को आपने फौजदारी कानून में रखना है। जज अतमिनुल्ला ने रिमार्क्स दिए कि FIA को रोग एजेंसी नहीं बनने देंगे। आपका काम लोगों की खिदमत करना है। हर केस में FIA अपने इख्तियारात से तजावज कर रहा है। जज अतमिनुल्ला ने डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग से इस्तफसार किया कि आपको कंप्लेंट कहाँ मिली थी, जिस पर डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम विंग ने बताया कि वफाकी वजीर मुराद सईद ने 15 फरवरी को लाहौर में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर अदालत ने पूछा कि क्या मरीज मुराद सईद वहाँ विजिट पर गए हुए थे। जवाब नहीं। अदालत ने कहा आप पढ़कर बताएं कि किस हमले से, किस जुमले से हत्या की इज्जत का पहलू निकलता है। जिस पर बाबर बख्त कुरैशी डायरेक्टर साइबर विंग FIA ने मुराद सईद के मुतल्लिक मोहसिन बेग का जुमला पढ़कर सुनार कहा कि इस जुमले में किताब का हवाला है। जैसे अतमिनुल्ला ने इस्तफसार किया कि क्या किताब का सफ़ा मोहसिन बेग ने प्रोग्राम में बताया है। अच्छा, पहली बात तो ये कि यहाँ पे इस पे मैं थोड़ा सा अपना कमेंट करता जाऊँ, वैसे तो बहुत सारी जगहों पे मेरा ख्याल था करना चाहिए था। मैं एक बात शुरू से कह रहा हूँ, जब से ये खसूस मोहसिन बेग का वाक्य हो पिछले 6-7 दिन से, कि असल में जिस किताब के ऊपर केस करना चाहिए था वो है रहम खान की किताब इमरान खान साहब के ऊपर। मैं पहले भी कह चुका हूँ और कमों पेश अदालत ने ये बातें आज अपने उसमें भी कही हैं कि इसका रेफरेंस देने वाले पे आप कभी भी हद तक इज्जत नहीं निकाल सकते, कभी भी आप फेक न्यूज़ नहीं लगा सकते, क्योंकि ये किताब पाकिस्तान के बुक शेल्फ में है और जब से ये इन्होंने केस किया मुराद सईद ने कि ये सिलसिले में मोहसिन बेग को गिरफ्तार किया गया है, दो चीज़ें हतमी उसमें आई हैं। और ये बात तभी मैंने कही थी कि किताब जो है वो हॉट केक की तरह हर घर पहुंच जाएगी, या लोग क्योंकि फ्री डाउनलोडिंग इसी पहले दिन से मुमकिन थी तो लोग फ्री डाउनलोडिंग करा के धड़ाधड़ उसको किताबी शक्ल में देख के अपने पास रख लेंगे। दूसरा मैंने कहा था कि मोहसिन बेग को रिफ्तें मिलेंगी और मोहसिन बेग एक बहुत पाकिस्तान की तारीख का एक अहम तरीन किरदार बन जाएगा। मैंने मिसाल भी दी थी कि बच्चे को असद तूर को जब आप गए थे उसके घर में जाकर उसको मारा पीटा था तो वो असतूर आज वो असतूर नहीं है, जो एक गुमनाम किस्म का और एक अपनी शौक में या अपने पैशन में कोई बिलोंग कर रहा था। तो मोहसिन बेग साहब की जो इन्होंने की है वो आज मोहसिन बेग किस इज्जत के किस दर्जे पे खड़ा है, आप ये देखें कि हर चीज़ उसके बारे में जब गलत साबित होगी कि उसके घर में जो लोग घुसे थे वो गुमनाम थे, इवन उनका जो फायर करना है जिसको अभी जो है वो ट्रायल कोर्ट में उसको डिस्कस किया जाएगा, वो भी लोग समझेंगे कि जैसे मैंने भी अपने एक प्रोग्राम में कहा था शायद समय के ऊपर कि मेरे घर में कोई घुसेगा तो मैं क्या करूंगा, मैं आया उसको इंतजार करूंगा, एक गंदर गेट टप के मेरे घर में आ रहा है, एक बंदा जो है दीवार तोड़ के मेरे घर में आ रहा है तो मैं तो उसको सीधा फायर मारूंगा। यही इसको सेल्फ डिफेंस कहते हैं, यही कहते हैं अपने दिफा कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने तो एक मोहसिन बेग को भेजना था कि आप तलब किए जाते, FIA ने आपको बुलाया है, आप बुलाते हैं उनको गिरफ्तार कर लेते। लेकिन इसके अंदर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, जब मैं पढ़ने के बाद आप बताऊंगा कि ये हुआ क्या है, ये कमाल की चीज़ है। जैसे अतमिनुल्ला ने इस्तफसार किया क्या किताब का सफ़ा नंबर मोहसिन बेग ने प्रोग्राम में बताया, जिस पर डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग ने जवाब दिया कि नहीं, ये बात प्रोग्राम में नहीं बताई गई। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको तोहनी अदालत का शोकास जारी कर रहे हैं, जिस पर डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम विंग ने कहा हम भी आपके बच्चे हैं, FIA एहलकार को मारा पीटा गया। जस्टिस अतमिनुल्ला ने जवाब में कहा कि ना आप मेरे बच्चे हैं और ना मैं आपका बाप हूं। इस मौके पर चीफ जस्टिस अतमिनुल्ला ने इस्तफसार किया कि आपने शिकायत मिलने पर मोहसिन बेग को नोटिस जारी किया, जिस पर
FIA ने बताया कि मोहसिन बेग को नोटिस जारी नहीं किया गया। अच्छा, फिर इसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी किताब का रेफरेंस देने से हद तक इज्जत क्या हो जाती है, क्या उस किताब के अंदर ये मटेरियल मौजूद था? अगर था तो उन्होंने, और फिर वहाँ पे तीन लोग दूसरे बैठे थे, आया उन्होंने भी किताब का जिक्र किया, बताया कि उन्होंने किया, क्या उनको भी आपने गिरफ्तार किया या उनके खिलाफ भी कोई इंक्वायरी की? फिर अदालत ने मोहसिन बेग को आपने नोटिस जारी किए, अदालत ने कहा कि आपने, उन्हें कहा जी नोटिस जारी नहीं किया, अदालत ने कहा आपको कि आपके कानून में कि आपने पहले इंक्वायरी करनी, आपने कोई इंक्वायरी नहीं की क्योंकि शिकायत वजीर की थी, टॉक शो टेलीविजन पर हुआ, तो फिर मुतलका सेक्शन का इतलाक नहीं होता। डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग ने कहा कि जब वो टॉक शो बुक ट्विटर और सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हमने कार्रवाई की, जिस पर अदालत ने पूछा कि आपने क्या इंक्वायरी की, क्या मुलजम ने वो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल किया, इस प्रोग्राम में कितने लोग थे, सब ने वही बात की, तो बाकी तीनों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? डायरेक्टर साइबर क्राइम ने जवाब दिया कि बाकी लोगों ने बात नहीं की जो मोहसिन बेग ने किया, जिस पर चीफ जस्टिस अतुल मिलन ने कहा कि आपको इस बात का यकीन है कि आपने वो क्लिप देखा, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि किताब में क्या लिखा था वो सब जानते हैं, जिस पर अदालत ने कहा सब क्या जानते हैं, आप जानते होंगे आम शिकायत होती तो फिर भी गिरफ्तारी नहीं बनती थी, ये तो पब्लिक ऑफिस होल्डर की दरख्वास्त थी। FIA पूरी दुनिया में क्या पैगाम दे रही है, एक आईनी अदालत है और ये आईन के तहत चलने वाला मुल्क है, गिरफ्तारी एक धमकी है, इजहार राय की कोई आज़ादी नहीं, ये अदालत बर्दाश्त नहीं करेगी कि आप, कि अगर आप मेरिट पर बात करना चाहते हैं तो बताएं कि क्या फाशी है, अगर कोई किताब का हवाला देता है तो क्या ये फाशी है, अगर कोई किताब का हवाला देकर धमका रहा है तो इस किताब में कुछ होगा? इस मौके पर अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, आप खुद, आप क्यों खुद को शर्मिंदा कर रहे हैं, क्या मुराद सईद का नाम किताब के सिर्फ एक सफ़े में लिखा है? जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि मैंने वो किताब नहीं पढ़ी। जब अदालत ने कहा फिर आपको किस तरह ये बात कर रहे हैं कि ये किताब के अंदर रेफर करना फाशी है? सबसे बड़ी फाशी इजहार राय पर पाबंदी लगाना है, सबसे बड़ी फाशी इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल है जो यहाँ नजर आ रहा है, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल से किसी की हद, किसी इज्जत नहीं बचती, सबसे बड़ी फाशी आईन की बेहरमती है जो कि सारी आप लोगों से सजा हुई है। केसी समात जुमेरात 24 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई और FIA के डायरेक्टर को बयान हल्फी जमा कराने का के साथ और अटर्नी जनरल खालिद जावेद को तलब कर लिया गया। अब एक वो कॉल सोशल मीडिया पे चल रही है, ये भी किसी ने लीक किया है कि इमरान खान साहब जो है DGIB को कह रहे हैं कि आपने मोहसिन बेग को कड़ी सजा देनी है, उसका मारना है। जब ये गिरफ्तार कर लिए गए तो जब थाने में पहुंचे तो वहां पे इमरान खान साहब ने SP को फोन किया, वो थानेदार लेवल को खुद फोन करते हैं कि मोहसिन बेग को मारे। अब मोहसिन बेग के गुस्सा, तो मैं कह दूं कई वजूहत हैं कि मोहसिन बेग के, इमरान खान साहब के जिस इदारे से आजकल ठनी हुई है उनसे मोहसिन बेग की बहुत अच्छे तल्लुकात है, उनकी गुड बुक्स में है, या तो वो उनको पैगाम देना चाहते थे या इमरान खान साहब जो है को ये गुस्सा था कि मोहसिन बेग जो है की बात जो है वो लोग सुन रहे हैं। मोहसिन बेग कहाँ था, कहाँ मौजूद था पहले इस मुकदमे से पहले, आज उसका क्या स्टेटस है आप लोगों के सामने है। बारे ये लतीफ खोज साहब ने भी अदालत को बताया कि किस तरीके से मोहसिन बेग को गिरफ्तार करते हुए और उनको धोखे से गिरफ्तार किया गया और उन्होंने जिस पुलिस वाले को बुलाया SP को, वो आया जो अपनी मदद के लिए बुलाया, वो थोड़ी देर बाद जब उसे फ़ोन कॉल आई और पॉसिबली वज़ीर आज़म की थी तो उन्होंने अपना रवैया बदल लिया और उनको इतना बुरी तरह ज़्यादा कोप किया गया। अब 62 साल का जवान होंगे, मुझसे पंखमो पेज 2-4 साल ऊपर या नीचे। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि लोगों के अंदर वो कौन सा कल्चर है इमरान खान साहब का जिसे इजाज़त दी है कि एक पाकिस्तान के सीनियर बंदे को, और वजह क्या है कि उसने बाज़ाहिर ये कह रहे हैं जी कि जो वजह ये नहीं है, वजह को और है। मुझसे बेग को दोपहर के बाद अदालत में पेश किया गया इस दहशत गर्दी की, तो वहाँ पे अदालत को आज के दिन भी हुक्म के बावजूद पोली क्लिनिक ने जो कि सरकारी अस्पताल है जो MLC वो नहीं फराहम किया गया जिसमें उनकी फिजिकल कंडीशन बताई गई हो और एक सरसी रिपोर्ट जमा कराई। अदालत ने वो भी सख्ती से मांग ली है
दो दिन का और रिमांड दे दिया जो कि नहीं देना चाहिए था। बारह अदालत में भी दबाव होगा और जिस तरीके से सेशन जज को इन्होंने क्वर्स करने की कोशिश की और उनको सदकोप करने की कोशिश की लफाजी जंग में, तो वो जो है दूसरे जजेस जो है वो थोड़े से इन्फ्लुएंस हुए हुए हैं और जो हुकूमत जिस तरीके से इसमें फ्रीक बन के हर चीज़ में आई हुई है और पूरे इदारों को यूज़ कर रही है। और साथ उन्होंने और भी दो तीन ऐसी चीज़ें थी जो उन्होंने रिपोर्ट देनी थी, उन्होंने कोई रिपोर्ट भी नहीं दी और कहते हैं जी अभी हमने रिकवरी नहीं की, हमने उनके घर से कुछ और वीडियो तलाश करनी है। बाद में कोई भैंस चोरी करने का इल्ज़ाम लगा के वहाँ से भैंस की रिकवरी ना कर लें जो भुट्टो साहब के वक्त में होता था, या ऊँट चोरी का मुकदमा करके उनके घर से ऊँट ना बरामद हो जाए। बहरहाल ये पाकिस्तान की वो तकलीफ दे और शर्मनाक पिक्चर है कि एक स्विस अकाउंट्स में मैंने पहले बता दिया है जो कि आके आपके सामने आने वाला है। और अब जर्नैलों की कहानी जो है ज़्यादा ज़ोर शोर से मेरे यहाँ पे आने वाली है, और मोहसिन बेग का केस जो कि हुकूमत के गले की हड्डी बन के मेरा ख्याल है इसका सांस जो चोक करने को तैयार है। वमा अलैन इल्ला बिल्लाह।